प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय रूस के दौरे पर हैं। यहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत करने और खास रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी को संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण कोरिया, बहरीन, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, यूएई जैसे देशों ने पुरस्कार दिए हैं। आपको बताते हैं कि किन किन देशों से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। आमिर अमानुल्ला खान पुरस्कार 2016 में पीएम मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आमिर अमानुल्ला खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किंग अब्दुल अजीज सैश पुरस्कार 3 अप्रैल 2016 को पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में पीएम मोदी को फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार विदेशी मेहमानों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। सियोल शांति पुरस्कार पीएम मोदी को 2018 में सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। पीएम मोदी ये सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। निशान इज्जुद्दीन 2019 जून में मालदीव ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया। ये मालदीव का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। फिलिप कोचलर पुरस्कार पीएम मोदी को जनवरी 2019 को नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा पीएम मोदी को अगस्त 2019 को बहरीन में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहरीन का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पीएम मोदी ने विदेशों में भारत का डंका बजाया है। पीएम मोदी को दिए जाने वाले ये सम्मान उनकी जानदार शख्सियत, उनकी शानदार काबिलियत और एक नेता के तौर पर विश्व स्तर पर उनकी अहमियत को बयां कर रहे हैं। आनंद टीवी के लिए श्वेता वाजपेयी की रिपोर्ट।